brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। खबर है कि तालिबान अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों की छीनी गई उनकी जमीनें और संपत्तियां उन्हें वापस लौटाने जा रहा है। कहा जा रहा है कि तालिबान ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब हाल ही में नरेंद्र सिंह खालसा कराड़ा से अफगानिस्तान लौटे। नरेंद्र सिंह खालसा अफगानिस्तान की संसद में हिंदुओं और सिखों के प्रतिनिधि थे। साल 2022 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज किया था, तब उनसे वहां रह रहे हिंदुओं और सिखों की जमीनें हड़प ली गई थी। अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की जमीन अधिग्रहण की जांच शुरू कर दी गई है। ये पहल तालिबान के न्याय मंत्रालय की ओर से की गई। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तालिबान ने देश भर में विस्थापित हिंदुओं और सिखों की उनकी जमीनें और संपत्तियों को लौटाना शुरू कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद, मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पॉजिटिव रिस्पांस का स्वागत किया है और इस सकारात्मक रुख की तरफ वो काफी आशान्वित दिखाई दे रही है। वहीं इस पूरे खबर को लेकर आपको बता दें कि तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के प्रमुख सुहेल शाहीन का कहना है कि हिंदू और सिखों की हड़पी हुई सभी संपत्तियों को उनके मालिकों को वापस करने के लिए नए मंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि बीते 3 साल में हिंदू और सिख प्रतिनिधियों ने काबुल में तालिबान के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की थी। इसमें उन्होंने उनकी जमीनों पर कब्जे को लेकर चिंता जाहिर की थी और तालिबान से इस मुद्दे को हल करने की अपील की थी। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ही अफगानिस्तान में बसे ज्यादातर हिंदू और सिख भागकर भारत आ गए थे। 2022 में काबुल में एक गुरुद्वारे पर हमला हुआ था जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली थी। इस हमले ने वहां बसे आखिरी हिंदुओं और सिखों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान से भाग रहे सिखों और हिंदुओं ने भारत में शरण ली। भारत सरकार ने भी वहां बसे इन हिंदुओं और सिखों को हवाई मार्ग से निकाल लाया था। अफगानिस्तान इंटरनेशनल पोर्टल ने 9 अप्रैल को अफगानी संसद में हिंदुओं और सिखों के एकमात्र प्रतिनिधि रहे नरेंद्र सिंह खालसा की वापसी की सूचना दी थी। खालसा की अफगानिस्तान वापसी इन खबरों के बीच अहम है जब तालिबानी सरकार हिंदुओं और सिखों की हड़पी जमीनों को वापस करने पर काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि तालिबानी प्रशासन इस तरह के कदम उठाकर हिंदुओं और सिखों के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है और दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि तालिबानी प्रशासन के अंतर्गत सभी धर्मों के लोग बड़े अच्छे से रहते हैं और उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है। इस तरह से हिंदुओं और सिखों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करके तालिबानी प्रशासन इस फेर में भी है कि उसके भारत के साथ संबंध और सुधर जाए, अच्छे हो जाए, ताकि अफगानिस्तान में रुके हुए भारत के प्रोजेक्ट्स को फिर शुरू कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।